Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am Rahul. दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों आज मेरे साथ गौरव जी हैं, जो कि आज भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके इन्होंने गाड़ी निकाला है, क्योंकि डेली इनका जो टाइम रहता है शाम को 4 से 4:30 रहता है. आज इनको मैंने 12 बजे का स्लॉट दिया है, जो कि इस टाइम काफ़ी रश है रोडों पे. और जान लेते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस क्या है. हेलो गौरव जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गौरव भाई. कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सर आज मेरा 8 डेज है. 8 डेज, ओके. क्या कॉन्फिडेंस है फर्स्ट डे से और 8 डेज के अंदर? काफ़ी कॉन्फिडेंस है. मैं भीड़ वाले एरिया में ले आ रहा हूँ और काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हैंडल कर सकता हूँ. आपके पास कौन सी कार है? सर मेरे पास i10 Nios है, मैग्ना. ओके, कितने डेज हुए उसको लिए हुए अभी आपको? अभी उसको लिए हुए सर मुझे 10 डेज हो गए हैं. उसको चलाया आपने? जी मैंने. दो कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आप ड्राइविंग से सेटिस्फाई हैं? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं. तो दोस्तों 8 दिन के अंदर ये कॉन्फिडेंस है. वैसे आप क्या करते हैं? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, नेविगेशन ऑफिसर. ओके, मर्चेंट नेवी में. भाई देखो जहाज़ चलाते हैं पानी में, ठीक है, शिप चलाते हैं, अभी यहाँ कार चला रहे हैं, है ना. क्योंकि शिप में ब्रेक व्रेक तो होता नहीं, वहाँ तो फ्यूल की सप्लाई बंद कर दो बस, और यहाँ ब्रेक लगाना होता है. तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं ड्राइविंग से रिलेटेड अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें. तो देखते हैं गौरव जी का आज क्या कॉन्फिडेंस है. बस वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि तो उसमें देखो साइड में वो लगा हुआ है ना, उस दिन एक कार वाले ने मार दिया था तो निकल गया है. तो अभी हम लोग चल रहे हैं निषादगंज वाले रोड पर. ये सिंगल रोड है और इस पर मतलब दोनों साइड से गाड़ियाँ आती है, और मार्केट है तो पार्किंग भी है दोनों साइड में गाड़ियों की. तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके चलाना कि नज़र हटी दुर्घटना. सामने देखो तोप जा रही है, बड़ा लो, देखो ये देखो ये बहुत डेंजरस है. हाँ, जल्दी से निकाल लो स्पीड बढ़ा के, फटाफट खींच के देख रहे हो. ये एक आधो को निपटाएगा पक्का ऐसे रोड पे. जाने दो धीरे धीरे. गुड, मेरा भाई कोई कंट्रोलिंग नहीं है मेरे, ना क्लच पे पैर है ना ब्रेक पे पैर है. और गौरव भाई इसको कंट्रोल कर रहे हैं पूरी तरीके से. कुछ लोग कमेंट में कहते हैं सर आप क्लच ब्रेक दबा रहे हो. तो भाई मैं क्लच ब्रेक क्यों दबाऊंगा, ज़रूरत क्या है? फिर मेरे सिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम ही क्लच ब्रेक दबाएंगे तो फिर स्टूडेंट को सिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? आज यहाँ पे मैं क्लच ब्रेक दबा लूँगा, कल को जब वो अपनी गाड़ी चलाएगा फिर कौन क्लच ब्रेक दबाएगा? सो आप देख सकते हैं कि वैसे तो अब इनको चला सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब चला सकते हैं. बाकी जितना ज़्यादा ये अपनी कार चलाएंगे उतना, क्योंकि इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो पाता है, है ना. जितना ज़्यादा आप चलाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, छोड़ दोगे तो कमियाँ हो जाएंगी. फिर मेन जो एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है वो आता है चला चला के. जब अकेले आप कार को चलाओगे तो वहाँ पे क्या है 100% माइंड आपका रहता है. अभी 50% इनका माइंड मेरे ऊपर डाइवर्ट है कि मेरे डायरेक्शन के हिसाब से ही चल रहे हैं. और जब अकेले चलाएंगे तो इनको इनका खुद का डिसीजन होगा कि इनको जाना कहाँ है, आना कहाँ है, क्या करना है, कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है. और इन सब रोडों पे अगर आपने कार चला ली तो बाकी टू वे पे चलाना तो बहुत आसान है. सिंगल रोड पे ही चलाना बहुत टफ होता है, क्योंकि सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं तो बीच में डिवाइडर तो होता नहीं, तो पता नहीं चल पाता है कि सामने वाली गाड़ी को हम कितना जगह दें जिससे कि वो आसानी से निकल जाए. अब ये चौराहा है, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग हॉर्न देके चारों तरफ नज़र डाल के स्टीयरिंग राइट वाला पैर बीच बीच में ब्रेक पे आ जाए, क्योंकि अब आदत पड़ गई है. बिना एक्सेलेटर आप बिना उसके शूज़ के चलाया है तो पैरों का तो सेटिंग बनी गया है पूरी तरीके से. अपनी कार में भी बिना शूज़ के चलाता हूँ, बगैर शूज़ के. अब आदत डाल लेना जूते की, नहीं तो फिर पता लगा हमेशा बगैर शूज़ के चलाते रहो. पार्टी वार्टी में जाना हो तो शूज़ और सॉक्स हाथ में लेके पहुँच रहे, भाई रुक जाओ चल पहले शूज़ पहन ले तब चले, शूज़ पहन ले. अभी थोड़ा सा उसका भी फील ले रहा हूं, काफ़ी बेटर रहता. अगला कट लेफ्ट आएगा वहीं से लेफ्ट टर्न करना है, इंद्रप्रस्थ था यही जस्ट. जाने दो धीरे धीरे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया गौरव भाई, बहुत अच्छा चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुश मिजाज के बंदे हैं ये, बहुत हंसते और हंसाते भी बहुत हैं. यही से लेफ्ट हंसाते तो आप सर, हम तो बस हंसते. जाने दो सीधा सीधा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट जाना है. गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इन सब गलियों में गौरव भाई जिसने चला लिया ना वो समझ लो बस वो कहीं भी चला सकता है, क्योंकि इन सब छोटी छोटी गाड़ियों में कोई स्पीड तो मेंटेन करनी नहीं है, आपको कंट्रोलिंग करनी है कि सामने से बाइक आ रही, रिक्शा आ रहा है, पैदल बंदे आ रहे हैं, कोई भी किसी भी
जगह से अचानक निकल आता है। कंट्रोलिंग तो सर स्लो स्पीड में ही, हाँ जो स्लो में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बस। अब यहाँ से राइट जाना है आपको, ये पहला राइट आ रहा है जो ब्लैक वाला गेट लगा है, यहीं से लॉन्ग हॉर्न पुश करके थोड़ा लेफ्ट दबा के तब काटिएगा। ये जो कट है बस इसी गली में, हाँ। देखा भाई साहब, एक हाथ से स्कूटी एक हाथ से फोन, क्या ज़रूरत है हॉर्न देने की, ध्यान से। हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्का लेफ्ट आ जाओ, गुड। राइट वाला ये मैडम का घर है जो वरना खड़ी हुई, आगे बढ़ा के थोड़ा सा, यही मैडम जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, आपका घर आ गया है, बस यहीं पे रोकना है, पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेके। बस ये वाला मैम का घर है, पैरेट वाला। कैसा लगा मैडम आज? अच्छा लगा ना, मुझे पहले दिनों से बेटर लगा। बाकी दिन ऐसे खेल में निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय। मैम भी टीचर हैं। हाँ चलो, अब यहाँ से राइट लेना है, इस कट से राइट लेना है, लेफ्ट दबा के, पतली पतली गलियाँ हैं तो लेफ्ट दबा के। हाँ और लेफ्ट दबा के हॉर्न मारिए, क्लच दबाया नहीं आपने इसलिए गाड़ी आपकी बंद हो गई। जाओ धीरे धीरे, हाँ बहुत आराम से जाओ, धीरे धीरे खिसकाओ, हट जाइए, जाओ धीरे धीरे खिसकाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ धीरे धीरे, गुड, चलो निकल जाएगी, आप खिसकाओ, हट जाएगी, जाओ। आप क्लच पूरा नहीं ले रहे हो ना गौरव भाई, इसलिए बंद हो रही, बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। निकल गई भाई, घबराओ मत, निकल गई, बहुत जगह है, सीधी कर लो, गुड। यही तो असली खेल है, देखा दो बार गाड़ी बंद हो गई, अब बताओ। बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, हॉर्न मारो भाई, कर लो टिंडे, हाँ टिंडे और लौकी साइड में, भैया सिप चलाने वाले हैं ये। चलो कोई नहीं, जाओ जाने दो। अब यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है, ये देखो रे ये गलियाँ हैं, अच्छे अच्छे ड्राइवर जो है ना उनका निकल आता है यहाँ पसीना, स्लो करके लेफ्ट, अगर सामने से बाइक भी आ जाएगी तो निकल नहीं पाएगी, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है, गुड फुल, अब वेरी गुड। आप टी क्या कर रहे हो, सीधी करो, हाँ रोको पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, हाँ रोक लो, बह रहा है भाई, ट्रैक्टर वाले ने तो भसड़ मचा दिया था यहाँ पे, है ना। ये था नगर निगम लखनऊ, बढ़ा लो स्पीड, चलो जाओ रेस करो, गुड। इन सब गलियों में तो फर्स्ट सेकंड, ज़्यादातर फर्स्ट ही, बहुत ही नैरो है जहाँ से आप निकालोगे अभी, अगर सामने से कोई साइकिल भी आ गई तो निकल नहीं पाओगे, सिर्फ कार ही निकलने भर का रास्ता है। लेफ्ट, हाँ बस लेफ्ट, देखो बाइक वाला आ रहा है, इसको निकल आने दो, जाओ फुर्ती से निकाल लो मुस्कुराते हुए, गट जाओ, राइट दबा के हल्का, हाँ जाओ, राइट रखो, राइट, हाँ ये देखो इधर सट के निकल रही, बस सीधी कर लो, गट जाने दो, धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेफ्ट लेना, सिग्नल दो लेफ्ट का, राइट दबा के कर्व लेके हॉर्न बजा दो एक बार, हाँ ये देखो शाहरुख खान आ गए। गौरव भाई क्या कर रहे हैं आज आप क्लच क्यों नहीं दबा पा रहे, गाड़ी बंद क्यों हो रही है आपकी, गलती जा रही है। नहीं नहीं ये गलत नहीं होना चाहिए, गाड़ी बंद होने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस जीरो लेवल है, सारा खेल तो क्लच के ही, जाओ छोड़ो धीरे, जाओ बढ़ाओ धीरे, जाने दो, लेफ्ट काटो, फुल काटो लेफ्ट, हाँ जाओ, खिसकाओ, रेस करके जाओ, हाँ जाओ, हाँ और जाने दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, हाँ बस साइलेंट कर दो फ़ोन, हाँ यहाँ से राइट जाना है, राइट काट लो, राइट फुर्ती से, कोई नहीं ये सब गलियाँ ऐसी है ना कि यहाँ अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। सही बात, बाकी आगे से ध्यान रखिए, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बढ़ा लो स्पीड, बढ़ा लो, गुड वेरी गुड। आगे टी पॉइंट से राइट जाना है, ये है आपका रहीम नगर की गलियाँ, रहीम नगर एरिया है ये आपका पूरा, यहाँ से राइट जाना है, लेफ्ट दबा के राइट, पूरा हॉर्न ब्रेक पे पैर, अपना लेफ्ट दबा के, हाँ एकदम, सीधी करो, गुड वेरी गुड,
निकाल लो स्पीड बढ़ा के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो। अब यहाँ स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा स्पीड, हाँ जाओ रेस करो, गुड, चलो जाओ रेस कर लो, जाओ 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 जाओ, धीरे धीरे जाने दो, चढ़ाइए, काफ़ी ऊँची चढ़ाई है, स्पीड बढ़ाओ, हाँ थोड़ा रेस करो, जाओ, गुड, बहुत बढ़िया। आगे से लेफ्ट चलेंगे हम लोग, थोड़ा राइट रखो, इधर मलबा पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, आगे से राइट, हाँ लेफ्ट लेफ्ट, हाँ राइट दबा के लेफ्ट, ताकि मतलब पोल में ना टकराए गाड़ी आपकी, जाने दो, वेरी गुड, लेफ्ट आ जाओ, गुड, अभी यहाँ से सीधा चढ़ जाओ आप, बहुत बढ़िया, हॉर्न लंबा, हॉर्न मारो, हट जाएंगे, जाओ रेस करो और लेफ्ट दबा के निकालो, हॉर्न मारो, चलो निकल गई, जाओ बढ़ाओ रेस करो, गुड, वेरी गुड, देखो कहाँ निकले हम लोग, एकदम सीधा ये आ गए हम लोग, देखो कहाँ, राइट को, ये अंदर अंदर आ गए, ये था जादू, काला जादू, बढ़ाओ स्पीड, राहुल भाई का जादू, बड़ा रस्ते है राहुल भी चलाने वाले, है ना, एक्चुअल कॉन्फिडेंस ये था, बड़े हैवी ड्राइवर जो कहते हैं ना अपने आप को कि हम हैवी ड्राइवर हैं, जाने दो धीरे धीरे, बढ़ा लो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये चलो बढ़ाओ धीरे धीरे, गाड़ी गई तो 40 फीट नीचे गज जाओगे, देख रहे हो, ये कुकरेल की नदी, नाला ना, हाँ नदी, ये नाला है, नाला ही समझ लो, इतने में तो कांड हो जाते हैं, बढ़ाओ धीरे धीरे, बहुत ध्यान से निकालना है, चलो आराम से, गुड, दोनों साइड खाई हैं, ऐसे में चलाने में मज़ा आता है, हाँ कि अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हुआ तो सीधा 20 फीट नीचे, असली हैवी ड्राइवर तो रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, सीधा, हाँ चलो बढ़ा लो धीरे धीरे, रेस करो हल्का सा, एक्सीलेटर लो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद करोगे आप भी गौरव भाई, याद करूंगा, कोई नहीं ले आता, कोई नहीं, ऐसी जगह से अवॉइड करते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, टायर ख़राब हो जाते हैं, रिक्स भी रहता है। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट चलेंगे, ये बंदे वाला रोड आ गया है, सर्वोदय नगर वाला, यहाँ से हम लोग चलेंगे लेफ्ट, फिर लेंगे राइट, चलेंगे भूतनाथ होते हुए, राइट दबा के लेफ्ट, थोड़ा रखकर भी लेके नहीं तो पत्थर पे चढ़ जाएगी, पहले गियर में कर लो, वेरी गुड, अभी राइट दबा के लेफ्ट लेना, थोड़ा जाम लगा है, बाकी घुस जाओ इसी में, ध्यान से थोड़ा देख के, हाँ इनको निकलने दो, कल लाल वाले पीछे लगा लो, इसी रेड वाले पीछे, बस लेफ्ट काटो, जाओ धीरे धीरे लेफ्ट काटो, हाँ काटो, स्टीयरिंग घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, हाँ बस घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी, जाओ रेस करके जाओ फटाफट, रेस काटो लेफ्ट काटो, हाँ काटो लेफ्ट काटो, हाँ काटो काटो और काटो और काटो और काटो और काटो, जाओ धीरे 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 खिसकाओ, क्लच दबा लेना, बंद ना हो इंजन, जाओ रेस करके जाओ, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं बम्फर टू बम्फर, क्या कहते हैं बम्फर टू बम्फर, ये अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, ये देखो, ये अब देखो बम्फर टू बम्फर में क्या होता, अब अगली गाड़ी की नंबर प्लेट दिखनी बंद हो जाए, समझ लो आगे स्पेस नहीं है, देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है चारों तरफ से, इसकी नंबर प्लेट थोड़ी ऊपर नहीं है, हाँ इसकी ऊपर है, तो अभी नीचे कर दे रहे हैं, और बढ़ाओ, अभी नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा गाड़ी आगे बढ़ा लो, बस जाने दो धीरे धीरे, गुड, जाओ धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड, लेफ्ट लेना है, अब देखो पुल चौड़ा करवा रहे हैं इसीलिए, हो रहा है चौड़ा, बस लगभग लगभग एक महीना और लगेगा, बाकी पुल फिर चौड़ा हो जाएगा, उधर का तो काफ़ी सही बना दिया है, हाँ उधर का तो एकदम जबरदस्त, इधर आने में लोगों को दिक्कत होती थी, काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बाकी धीरे धीरे चलते रहो धीरे धीरे, इसका भी टेंडर दे दो आप राहुल, इसका टेंडर नहीं चाहिए, बस ये ड्राइविंग वाला ही टेंडर सही है। आगे से लेफ्ट लेना है, गुड, बढ़ाते रहो धीरे धीरे, खिसकाते रहो, ज़्यादा गैप मेंटेन ना करो, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त मेरे भाई, कति आपने तो गजब कर दिया भाई, ये कति जहर कर दिया, काटो लेफ्ट, तब यहाँ से हम लोग को राइट जाना है, गुड, राइट दबाना है धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे यहीं से, चलो राइट लेना है, गुड, धीरे धीरे, चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, गुड गुड गुड, बस यहीं से लेफ्ट, यहीं से मुस्कुराते हुए आओ फुर्ती से, गुड, आज तो ऐसी सी गलियों में चलवा दूंगा गौरव भाई कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, बढ़ा लो स्पीड, स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से, गुड, जाने दो धीरे धीरे, हॉर्न मारो,
राइट अप को गुड, बहुत बढ़िया। लॉन्ग हॉर्न पुश किया करो थोड़ा, राइट रखो राइट, गुड, हल्का राइट रखो, जाने दो धीरे धीरे, और राइट रखो, जाओ बढ़ाओ धीरे 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 धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेस कर लो ऐसी सिचुएशन में, गियर पहला कर लिया करो, अगर गाड़ी खड़ी हो गई है तो उसको दूसरे गियर में उठाना ज़रूरी नहीं है, हाफ क्लच पे फर्स्ट गियर करके फुल क्लच लेके उसको पहले में हाफ क्लच पे थोड़ा एक्सेलेटर लेके बढ़ा सकते हो। चलो जाओ बढ़ाओ बिंदास। तो दोस्तों आपने देखा गौरव भाई ने आज कत्ती एकदम छोटी छोटी गलियां जहां कहते हैं जहां पे मतलब साइकिल ना जा सके, गौरव भाई ने वहां ने कार को निकाल दिया। आज ऐसी सी गलियों में कभी सोचा नहीं होगा कि ये गाड़ी निकालेंगे, है ना। छः फीट चौड़ी कार है, 5.5 फीट चौड़ी, 6 फीट चौड़ा पुल था जहाँ से निकाल के लाए। अब बताओ क्या लगता है आप लोगों को भाई, सही सीखे हैं ये, हैवी ड्राइवर बने नहीं बने अभी? अभी नहीं बने, अभी ज़रूरत है सीखने की, 15 दिन का कोर्स क्योंकि तब शायद बन जाए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, है ना दोस्तों। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप सुरक्षित रहो, आप सेफ रहो, आगे से लेफ्ट, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो तेज चलाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, फिर मिलेंगे। जहाँ से राइट लेना।